अच्छा नाचना सिखाए, उस पर पानी फेर दिया तुमने, आखिर क्यों? तुम अब तक जिंदा हो, मैं तो समझी थी वो लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें बायसा से फोन पर बात करते हुए सुना था। ठीक ही तो कहती हूँ, मरना चाहते थे ना तुम, तो जहर खाकर कायरों की तरह मरने से एक गिरी हुई लड़की की इज्जत बचाते हुए मरना ज्यादा अच्छा है। शहीद कहलाओगे तुम, और जब तुम्हारी आंखें मुझे लगाई जाएंगी ना, तो एक महान शहीद की आंखों से मैं दुनिया देखूंगी। संगीता बेटे, आप भी यहाँ पधारी है भाई साहब, आपको भी तो बहुत दया आती है ना इस अंधी पर के बेचारी झोली फैलाए भीख मांग रही है कि अरे कोई मुझे अपनी आंखें दे दो। संगीता, जानती हो तुम किससे बातें कर रही हो? जानती हूँ माँ, अपनी उस माँ से जिसने मुझे अपनी कोख से जन्म दिया, और चूंकि इतने साल मुझे अपने से अलग रखना पड़ा, आज वो अपनी जान देने को तैयार है ताकि इनकी आंखें मुझे मिल जाए। बेटे, मेरी जिंदगी वैसे ही बेमानी हो चुकी थी, इसलिए खत्म कर देना चाहती थी उसे। और सेतुराम, उसके बारे में तो तू ऐसी वैसी बात कभी सोचना भी मत। वो तुझसे जितना प्यार करता है उतना शायद किसी ने किसी से किया हो। वाह, क्या प्यार है कि जिसे प्यार करते हैं उसी को अकेला छोड़कर चले जाएंगे। आंखें लगने के बाद मैं देखूंगी किसे। बड़े भाग से तो मुझे दो दो माओ का साया नसीब हुआ है, तो क्या एक को खोकर ही मैं देख पाऊंगी? अरे सेतु, जिसकी आंखों से मैं दुनिया देख रही थी, वो भी मुझसे आंखें चुराने लगा। ऐसा क्यों कहती हो तुम? जब कोई किसी के दिल में समा जाता है तो वो जन्म जन्मांतर का उसका हो जाता है। मुझे समझाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने लगे। सारी दुनिया ने मुझे अंधा कहा, अधूरा कहा, मन दुखता था, पर मैं मुस्कुराकर सहती रही। लेकिन जब तुम मिले तो ऐसा लगा, चलो कोई तो ऐसा मिला जो मुझे अधूरा नहीं समझता, अपाहिज नहीं समझता। लेकिन तुम तो सभी से गए गुजरे निकले, तरस खाते रहे मुझ पर, दया करते रहे, और मैं समझती रही प्यार। मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ संगीता, सच। मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम देख सकती हो कि नहीं, तुम नाच सकती हो कि नहीं, तुम गा सकती हो कि नहीं, मैं सच कह रहा हूं। पर अब बात और है, तब तुम एक मामूली नाचने वाली थी, मैं एक मामूली गाने वाला था, पर अब तुम बादशाह की बेटी हो, एक बहुत बड़े इज्जतदार घराने की बेटी। क्या बादशाह नहीं चाहेंगे कि तुम्हारी शादी किसी बड़े घराने में हो? मैं भी यही चाहता हूं। शर्म नहीं आती ऐसी बात मुंह से निकालते हुए? मैं क्या दोबारा शादी करूंगी? दोबारा शादी कैसे सात फेरों से होती है? जब मन से तुम्हें पति मान लिया है तो दूसरे के बारे में सुनना भी मेरे लिए पाप है। अगर मुझे सचमुच अधूरा और अपाहिज नहीं समझते हो तो स्वीकार कर लो मुझे, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। चित्र उन कर्मयोगियों को सादर समर्पित है जिन्होंने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से अपनी शारीरिक कमजोरियों को जीत लिया है।
हम उन्हें सादर प्रणाम करते हैं।